अस्सलाम वालेकुम। मेरे डियर व्यूअर्स के लिए आज मैंने बनाई है मजेदार फुल क्रीमी और मिल्की चीज सॉस। बहुत ही मजेदार बनी है, इसको अपने बारबेक्यू और बर्गर पे यूज करें, उनका टेस्ट डिलीशियस हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको फौरन टाइम पे मिल सके। चीज सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन में बटर 2 टेबल स्पून, इसको मीडियम फ्लेम पे मेल्ट होने देंगे। उसके बाद मैंने ऐड करा है मैदा 1 टेबल स्पून। मैदे को मैं बटर के साथ 3 मिनट के लिए भून लूंगा जब तक मैदे में से एक अच्छे से भुनी हुई खुशबू ना आने लगे। 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा दूध 1/2 किलो। इसे फौरन स्पून से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको बॉयल आने तक मिक्स करते रहेंगे। अगर इसको मिक्स नहीं करेंगे तो मैदे के इसमें लम्स बन जाएंगे। देखिए इसको पत्ते हुए 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और सॉस थोड़ी थिक हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा ब्लैक पेपर 1/4 टेबल स्पून, सॉल्ट 1/4 टेबल स्पून, व्हाइट पेपर 1/2 टेबल स्पून, ओरिगानो 1/4 टेबल स्पून, ऑरेंज फूड कलर 1/4 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैंने मिक्स कर लिया, देखिए कितनी अच्छी सॉस तैयार हो चुकी है हमारी और कितनी थिक भी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा चेडर चीज 100 ग्राम। बस अब हम सॉस को चीज के मेल्ट होने तक कुक करेंगे। चीज मेल्ट हो चुकी है, देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है। बस अब हम सॉस को डिश आउट कर लेंगे। मजेदार क्रीमी सुपर रिच और बहुत चीजी चीज सॉस तैयार हो चुकी है, बहुत ही यम्मी बनी है। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको जरूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। इसको बारबेक्यू और बर्गर के साथ यूज करें, इंशाल्लाह उनका टेस्ट डबल हो जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।